तो ये वाला साल हम वन पीस फैन के लिए काफ़ी ज़्यादा गोल्डन ईयर साबित हुआ है, क्योंकि इस वाले साल के अंदर हमको वन पीस को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंटेंट देखने को मिला है, जहाँ पर हमको फाइनली एक साल वेट करने के बाद लूफी का गियर 5 एनिमेशन के अंदर देखने को मिला। और अभी भी वन पीस के हिस्ट्री की सबसे बड़ी वाली फाइट के एपिसोड हमको पर वीक देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पर उसका एनिमेशन क्वालिटी तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आ रही है। और भाई हम मांगा को ऐसे भूल सकते हैं, जहाँ पर मांगा के अंदर वन पीस का फाइनल सागा शुरू हो चुका है और हर एक चैप्टर के अंदर हमको बड़े बड़े रिव्यूज देखने को मिल रहे हैं। और साथ साथ बात करें यहाँ पर वन पीस की लाइव एक्शन के, तो यहाँ पर सीजन 1 की सक्सेस को देखकर सीजन 2 का कंफर्मेशन भी हो ही चुका है, जहाँ पर खुद ओडा सेंसेई ने हमको सीजन 2 की कंफर्मेशन करते हुए बोला कि नेक्स्ट सीजन के अंदर हमको टोनी चॉपर देखने को मिलने वाला है। हाँ, मुझे पता है कि सीजन 2 को आने के लिए अभी काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, जहाँ पर मेरे हिसाब से कम 2 साल के अंदर हमको वन पीस का सेकंड सीजन देखने को मिल सकता है। और सेकंड सीजन के अंदर हमको बस चॉपर ही नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि सेकंड सीजन के अंदर हमको और भी अलग अलग टाइप के कैरेक्टर देखने को मिल सकते हैं, जहाँ पर पहला तो है अपना टोनी चॉपर, दूसरा शायद से रॉबिन तक ये वाली स्टोरी पहुंच जाए। यहाँ पर ये वाली बात तो रही बस टॉयट्स की, बात करें दूसरे कैरेक्टर्स की, तो यहाँ पर सबसे पहले हमको क्रोकोडाइल देखने को मिलेगा या क्रोकोडाइल देखने को मिलेगी, क्योंकि जहाँ तक लीक्स निकल के आ रही कि सेकंड सीजन के अंदर हमको शायद से क्रोकोडाइल फीमेल देखने को मिल सकता है, जहाँ पर वन पीस के वर्ल्ड के अंदर क्रोकोडाइल के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी थ्योरीज बन चुकी है कि क्रोकोडाइल पहले फीमेल हुआ करता था, बाद में जाके उसने अपना जेंडर चेंज करवा लिया। और यहाँ तक कि क्रोकोडाइल को लूफी की मम्मी बुलाया गया कि ऐसा बोला गया कि लूफी जो है वो क्रोकोडाइल का बच्चा है। ये सब छोड़ो, इन थ्योरीज के बारे में हम किसी और वीडियो में बात कर लेंगे। यहाँ पर लाइव एक्शन के सेकंड सीजन के अंदर एक सबसे बड़ी वाली दिक्कत होने वाली है, जो कि है अपना टोनी चॉपर, क्योंकि चॉपर को लाइव एक्शन के अंदर लाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है अगर इन लोगों ने पूरा का पूरा सीजीआई यूज करा और चॉपर का यहाँ पर कुछ ज्यादा अलग रूप निकल के आ गया, तो देखने के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि चॉपर भी बहुत बड़ा वाला पार्ट है अपने स्ट्रॉ हैट क्रू का। ऐसा तो नहीं होने वाला है कि यहाँ पर चॉपर हमको 2-3 एपिसोड के बाद ही देखने को मिलेगा या थोड़ा थोड़ा देखने को मिलेगा, ऐसा तो ये लोग कर नहीं पाएंगे, क्योंकि एनिमे के अंदर चॉपर तो लूफी के साथ में हर टाइम बकरोलिया काटता रहता है। या ये लोग ऐसा कर सकते हैं कि जैसा हमको गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के अंदर रॉकेट देखने को मिला, वैसे ही हमको यहाँ पर चॉपर देखने को मिल जाए। तो अभी हम फिलहाल कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि हमको अभी तक पता ही नहीं कि सीजन 2 के अंदर कौन से कैरेक्टर होने वाला है, या उन कैरेक्टर्स के डिजाइन भी हमको अभी तक दिखाया नहीं कि कौन उन वाले कैरेक्टर्स को प्ले करने वाला है। यहाँ पर हमको सीजन 2 के अंदर ड्रैगन देखने को मिलने वाला है, स्मोकर देखने को मिलने वाला है, यहाँ तक रॉबिन भी देखने को मिल सकती है, और भी ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स है जिनके बारे में अभी तक हमको कोई कंफर्मेशन नहीं मिली, ना ही उनका कोई हमको फर्स्ट लुक देखने को मिला है। सीजन 2 की कंफर्मेशन के साथ साथ यहाँ पर न्यूज निकल के आ रही कि यहाँ पर हमको 6 से लेके 12 तक सीजन देखने को मिल सकते हैं, वो तो हमको आगे चल के पता चलेगा कि ये लोग एनिस लॉबी तक लाइव एक्शन लेके जाते या नहीं लेके जाते हैं। तो चलो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, यहाँ पर सीजन 2 को लेकर बाकी कोई ज्यादा डिटेल्स बाहर निकल के नहीं आई है। अगर सीजन 2 के कैरेक्टर्स और उनके डिजाइन बाहर निकल के आते तो मैं उनके बारे में एक वीडियो बना दूंगा, तो यहाँ तक वीडियो देख लिया तो सब्सक्राइब भी करते जाना। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।